हरिद्वार में बन रहे गंगा कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस के विरोधी सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कॉरिडोर के विरोध में 6 दिवसीय विरोधी प्रदर्शन की शुरुआत हर की पौड़ी से पैदल मार्च के साथ की। जालापुर विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में यह पैदल मार्च मोती बाजार अपर रोड शहर कोतवाली होते हुए बड़ा बाजार से समाप्त हुआ। कांग्रेसी विधायक रवि बहादुर का कहना है कि सरकार इस कॉरिडोर की DPR को सार्वजनिक नहीं कर रही और न ही इसमें मुआवजे को लेकर क्या प्रावधान है या साफ नहीं कर पा रही है। अनिल चौधरी ने बताया कि 6 दिन के इस कार्यक्रम के तहत हम जन जन तक सरकार के इस गलत नीति को लेकर जाएंगे ताकि लोगों को भी मोहित करने वाली नीति से रूबरू कराया जा सके। कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहे वो व्यापारियों के वर्ग को हित को लेके हो, चाहे पंडा समाज को लेके हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, DPR स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जो झूठे वादे हैं हेरिटेज को लेके, कोई कह रहा हेरिटेज बनाएंगे, कोई कह रहा कॉरिडोर बनाएंगे, ये बेवकूफी वाली बात नहीं चलेगी। हरिद्वार ये जो है दंश नहीं चलेगा, विकास के नाम पे विनाश हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सब एक मत है, एक साथ है और हम लोगों को जगाने का, लोगों से वार्ता करने का, संवाद करने का कार्य मांग है। स्थिति स्पष्ट की जाए कि आपकी DPR क्या है, मुआवजा कितना है, आप कितना एरिया लेने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, कितने चौड़े रोड लेने जा रहे हैं, कितनी दुकानों को क्षति पहुंचेगी और उसका मुआवजे का क्या प्रावधान है, और जो यहाँ पे किराएदारी सिस्टम चलता है लोगों का, उनके लिए क्या है, मालिकों को कितना दिया जाएगा और किराएदारों को कितना दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए मेरी बात सुनिए, हम विकास के विरोध में नहीं है, पर अगर आप चोबी चुपचाप चोरी चोरी कोई चीजें करेंगे उसके हम विरोध में हैं। आप विकास कीजिए कि हरिद्वार में पर्यटन अच्छा बढ़े, पर पर्यटन धार्मिकता के साथ होना चाहिए, जिस वजह से ये होली सिटी जानी जाती है धार्मिक उसमें। अब हेरिटेज की बात होने लगी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात है ना, कि कॉरिडोर में अगर लोगों का गुस्सा उत्पन्न हो रहा है तो आज ये हेरिटेज की बात करने लगे, जो कि दोनों चीजें अलग अलग है, हेरिटेज अलग हो गया और कॉरिडोर अलग हो गया। तो कॉरिडोर का विरोध है या उसकी नीति का? कॉरिडोर का विरोध है, उसकी नीति का भी विरोध है। आप नीति स्पष्ट तो कीजिए, जब तो पता चलेगा मैं विरोध करना नहीं करना, पर आप तो अभी बता ही नहीं रहे आप करना क्या चाह रहे हैं। तोड़ने आ जाए, ये तो सीधा सीधा तोड़ने आ रहे हो ना, एक तरीके की हिटलरशाही होगी ना, डिक्टेटरशिप। विरोध पूरे शहर में होगा, 6 दिन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, 14 तारीख तक रहेगा, और हमारा विरोध इस बात पे है लेकर के कि DM कुछ और कह रहे हैं, विधायक कुछ और कह रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। DM आज भी कह रहे हैं कि 3-3 एजेंसियां लगी हुई हैं इसके सर्वेक्षण के लिए, और विधायक कह रहे हैं कि इसको स्थगित करा दिया गया है। चुनाव के लिए तो वो लोग कर रहे हैं कि कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन हम लोग शुरू से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि व्यापारियों को जो आंदोलन करना चाहते हैं व्यापारी, उनको धमका करके, उनको डरा करके रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग व्यापारियों के समर्थन में आए हैं, उनको कहा है कि डरो मत, आगे आओ, आंदोलन करो, पूरा शहर आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।